हदीसों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज की अहमियत के बहुत सी रिवायतें हैं, यहाँ सिर्फ एक रिवायत का शेख ने जिक्र किया। अलअहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलातु फमन तरकहा फ़क़द कफ़र, कि वो अहद व पैमान जो हमारे और उनके दरमियान है, यानी काफिरों के दरमियान, बस दूसरी रिवायत में है कि जो हमारे और उनके दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ हद है, वो काफिर के और हमारे दरमियान, हाँ, बैन रजुली व बैन कुफ्र तरकुसलाह, ये एक हदीस है। और यहाँ है कि वो अहद व पैमान जो हमारे और उनके बीच है वो नमाज है, चुनांचे जिसने इसको तर्क किया उसने कुफ्र किया। अब इस पर एक लंबी चौड़ी बहस की जा सकती है। गोया सबसे पहली बात कि काफिरों में और मुसलमानों में ये अहद और फ़र्क करने वाली चीज़ करार दे, मतलब एक मुसलमान और काफिर के अंदर हद फासिल माने रुकावट दोनों के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। इसका मतलब अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा है तो अपने और काफिरों के बीच के फ़र्क करने वाली अलग करने वाली चीज़ को उसने ख़त्म कर दिया, अब वो दोनों घुल मिल गए, दोनों के दरमियान कोई हद फासिल बची ही नहीं। तो नमाज है जो दोनों के दरमियान तफरीक करती है, दोनों को अलग करती है। अब हदीस में भी है कि उसने कुफ्र किया, और दूसरी रिवायतें मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। तो इस पर अहले इल्म ने बड़ी बहस की है कि क्या ये कुफ्र कुफ्र हकीकी है, यानी नमाज को छोड़ने वाला इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो एक पहलू तो यह है कि अगर कोई शख्स नमाज की फर्जियत को नहीं मानता, यह कहता है कि मैं नमाज को फ़र्ज मानता ही नहीं, तो वो बिल इत्तेफाक बिला किसी इख्तिलाफ के तमाम मुसलमान उलमा के नज़दीक सलफ़ व खलफ में वो काफिर हो जाएगा, इस्लाम से बाहर हो जाएगा। दूसरा, वो शख्स जो सुस्ती काहली और गफलत की बुनियाद पर नमाज तर्क करता है, अब उसमें भी लोगों ने दो कैटेगरी की कि कुछ पढ़ता है कुछ छोड़ता है, और एक है कि छोड़ता है, जैसे जुमा पढ़ लिया मुस्तकिल छोड़ रहा है पाँचों वक्त की नमाज मिसाल के तौर पर। तो जो मुस्तकिल छोड़ रहा है उसको अक्सर बेशतर हाँ हम्बली उलमा और बाज़ सलफ़ी उलमा भी कहते हैं कि वो काफिर हो जाएगा, इस्लाम से निकल जाएगा। बाज़ लोग इसमें और उसमें फ़र्क करते हैं कि एक इनकार करने वाला अलग है, एक शख्स इनकार नहीं करता लेकिन वो नमाज सुस्ती काहली की वजह से पाबंदी नहीं करता, पढ़ता नहीं है, तो ये कुफ्र तो है लेकिन ये कुफ्र अमली है, ये कुफ्र का वो दर्जा नहीं है कि इस्लाम से खारिज हो जाए। हाँ, और बाज़ उलमा कहते हैं कि ये कुफ्र अमली है, ऐसे लोगों को कैद करके जो है रोज़ मारा जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से ये इमाम मरवी है कि उसको रोज़ कोड़े मारे जाएंगे, और इमाम शाफ़ी वगैरह कहते हैं कि उसको कत्ल किया जा सकता है हद्दन, अगर नमाज का तारीख है, काजी ने उसको समझाया बुझाया और नहीं मानता मुसलमान होने के बावजूद, तो बाद में उसे कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन कत्ल की वजह वो मुर्तद होना नहीं बोलते, बल्कि ये कहते हैं, बड़ा ज़बरदस्त इस्तेदलाल किया है, कि जिस तरह से शिर्क के बाद तौहीद के बाद सबसे बड़ी नेकी नमाज है, उसी तरह शिर्क के बाद, जब तौहीद के बाद सबसे बड़ी नेकी नमाज हुई तो तौहीद की जो ज़िद है शिर्क है, सबसे बड़ा गुनाह वो है, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह नमाज का छोड़ना होगा। जब तौहीद के बाद नमाज सबसे अहम है और तौहीद की ज़िद सबसे बड़ा गुनाह है, तो तौहीद की ज़िद के बाद यानी शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह फ़र्ज नमाज का तर्क करना, ये इमाम शाफ़ी का इस्तेदलाल है, इमाम शाफ़ी या इमाम मालिक का। तो वो इस बुनियाद पर कहते हैं कि उसकी सज़ा कत्ल होगी। बहरहाल बहुत सारे उलमा इसके कत्ल के कायल हैं, दूसरे उलमा यानी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह कहते हैं कि वो मुर्तद हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। दीगर गुनाह कबीरा का मामला अलग है कि गुनाह कबीरा करता है तो आदमी फासिक व फाजिर तो होगा, इस्लाम से खारिज नहीं होगा, लेकिन नमाज के बारे में खुसूसी दलीलें मौजूद हैं। और सहाबाए कराम के ताल्लुक से ये बात भी मरवी है रिवायतों में कि सहाबाए कराम ऐसे लोगों को मुनाफिकीन के ताल्लुक से पहचान और कुफ्र की पहचान ये मानते थे कि नमाज कोई छोड़ता है तो वह काफिर होगा। तो इन अक़वाल और इन कुछ दलीलों की बुनियाद पर हनाबिला और उनकी मुआफ़क़त में आज सऊदी अरब के बहुत सारे उलमा इसी के कायल हैं, और हुकूमत का गोया इसी पर अमल है सऊदी अरब में कि अगर कोई शख्स बेनमाजी है उसके बारे में ये पता चल जाए कि वो नमाज नहीं पढ़ता था तो उसको काफिर माना जाएगा, अगर वो शख्स मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रस्तान में दफन नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब में इस पर अमल है आज कि अगर किसी के बारे में पता चल जाए कि ये बेनमाजी था तो गवर्नमेंट उसकी तदफीन का इंतज़ाम नहीं करती, घर के लोगों को बुलाती है कि इसको ले जाओ किसी खड्डे में डाल दो,
मुसलमानों के कब्रस्तान में यह दफन नहीं होगा। अहले इल्म ने कहा कि ऐसे शख्स से एक मुसलमान खातून अगर ब्याही गई है तो उसे तलाक ले लेना चाहिए, खुला ले लेना चाहिए, जिम्मेदार को वली को उससे अलग कर देना चाहिए। हमारे यहाँ खाने नमक अदरक लहसुन और दूसरी फालतू गैर ज़रूरी चीज़ों पर तलाक होता है, खुला होते हैं, नमाज के बारे में नहीं होता है, होना चाहिए। इस पर होने लगेगा तो हमारे यहाँ बेनमाजी कोई नहीं बचेगा। हाँ, कि बेनमाजी के साथ हमारी बच्ची रहे, फिर उसके बाद जो है उनके बच्चे जो पैदा होंगे तो वो बेदीन रहेंगे। हाँ, उनकी जो है आदमी को डरना चाहिए कि बेनमाजी घर में अल्लाह का अजाब और नहुसत या बेबरकती रहना ही रहना है। दीगर कितने भी दौलत हो, दूसरी चीज़ें हों, ये दीन की बुनियाद है, पहचान है, ये बुरहान है। हदीस ने कहा कि ये एक आदमी के मुसलमान होने की पहचान है। अब जब यही पहचान नहीं है तो इसको कैसे बर्दाश्त करते हैं? हमारे यहाँ पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती है, लेकिन इस चीज़ को नहीं देखा जाता। हाँ, बेनमाजी है चल जाएगा, शराबी है चल जाएगा, जुआरी दौलत वाला है ना, सरकारी नौकरी वाला है, और अगर इमाम में मस्जिद है, मौलवी है, तो नहीं चलेगा। नमाजी है, दीनदार है, तौहीद वाला है, दौलत नहीं है। हाँ, तो कोई आपके नज़दीक, हमारे नज़दीक, हम मुँह से ना बोलें, ज़बान से ना बोलें, हमारा अमल बोलता है कि हम किस बात को तरजीह देते हैं, दीन को या दुनिया को। हाँ, और जब इस बुनियाद को, दुनिया को तरजीह दे के हम मामलात करते हैं और परेशानियाँ, मुसीबतें, तकालीफ जब आती हैं, अल्लाह का अजाब मुख्तलिफ शक्लों में रूनुमा होता है, तो हम रोते हैं, परेशान रहते हैं। जब हमने दीन पर अमल ही नहीं किया तो अच्छे नतायज की उम्मीद, लोग शिकायत करने लगते हैं कि हम ऐसे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकदीर हमारे ताल्लुक से ऐसे कैसे है। गौर नहीं करते, जायज़ा नहीं लेते अपने आप का कि हमारे अमाल के नतायज भी हो सकते हैं। सलफ़ का यही तरीक़ा था। तो बहरहाल नमाज की ये बड़ी अजीम शान हैसियत है, और ये बात तो तय है कि आप उसको ये इस्लाम से खारिज वाला होने वाला कुफ्र भी ना भी माने तो कुफ्र तो है, कुफ्र अमली या कम दर्जे का कुफ्र। हाँ, जो हदीस कह रही है, मैंने जैसा कि कहा कि उलमा की एक जमात यही कहती है, और आज आप देखेंगे कि बाज़ उलमा ने बहुत ज़बरदस्त दलायल दिए हैं इस बात पर कि अगर एक आदमी पाबंद बराबर नमाज का तारिक है तो वो मुसलमान नहीं है, इस्लाम से खारिज हो जाता। हाँ, जुमहूर उलमा ये कहते हैं कि कबीरा गुनाहों की तरह उसका भी शुमार होगा, फांसी को फाजिर होगा, अगरचे इस्लाम से खारिज नहीं होगा। तो दोनों में से आप जिस मसलक को भी मानते हैं, ये बात तो वाज़े है कि नमाज की इंतहाई सख्त और ज़बरदस्त अहमियत है, और इसमें किसी भी तरह से कोताही नहीं बरतना चाहिए।